मध्य प्रदेश में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें प्रदेश के मंत्री ध्वजारोहण से पहले ही बीमार हो गए। मंत्री जी को जीवन में पहली बार मंत्री के तौर पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करना था। स्वतंत्रता दिवस की सुबह जिला मुख्यालय पर सारी तैयारियां हो गई थी और सब लोग मंच पर मंत्री जी का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन पता चला कि मंत्री जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, इसलिए मंत्री जी की जगह कलेक्टर को ध्वजारोहण करना पड़ा। बता दें, प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल की अचानक तबीयत खराब हो गई, निजी अस्पताल भर्ती कराया गया, उसके बाद भोपाल रेफर किया गया। मामले की पड़ताल करने पर पता चला कि 14 अगस्त की रात को मंत्री जी ने दाल बाटी खाई थी, उसके खाने से सुबह उनकी तबीयत नासाज हो गई और वह इस हालत में नहीं थे कि ध्वजारोहण करने जा सके। हालात तो यहां तक बिगड़ गई कि उन्हें एयरलिफ्ट करके भोपाल लाना पड़ा। जब भोपाल में डॉक्टरों ने उनकी तबीयत चेक की तो चर्चा में यह आया कि मंत्री जी ने रात में दाल बाटी खाई थी। डॉक्टर साहब पूरा माजरा समझ गए और उन्होंने उसे देखते हुए तत्काल उनका इलाज कर दिया। मंत्री जी तुरंत स्वस्थ हो गए और अस्पताल से उनकी छुट्टी कर दी गई। कुल मिलाकर दाल बाटी के फेर में मंत्री जी ध्वजारोहण के इस पावन अवसर को गवा बैठे।